शुरुआत सुबह से होती है जब शीला तड़के उठ किचन में लगी है। शीला सुबह उठकर पति के लिए ऑफिस का खाना बनाती है। पति महोदय कुछ न कुछ बोलते हुए कि रोज रोज वही सब्जी जबकि रोज वह नहीं बनती पर रोज का नाटक है जो चालू रहता है। पति के जाने के बाद रोजमर्रा का काम निपटा सास ससुर को नाश्ता दे फिर बच्चों के लिए अलग बनाती है। पता है ना आजकल बच्चे मूडी हो गए हैं। बेटी सब्जी रोटी सुबह कौन खाता है माँ, फिर मैं तो यह सब्जी खाती ही नहीं। शीला दोनों बच्चों को नाश्ता करा थोड़ा आराम करने लगती है। तभी बेटा माँ मुझे यह नहीं मिल रहा, कहा है ढूंढो ना। शीला डांटती है कितनी बार कहा है, जहाँ जगह बना रखी है वहीं वो चीज रखा करो, पर नहीं। गुस्से में बुदबुदाकर शीला उसकी ही जगह से वह लेकर बेटे को थमाती है और बोलती है वहीं रखा था पर नहीं बिना माँ के। तो बेटा तपाक से कहता है माँ किस लिए होती है। तभी बिटिया मम्मा मेरा ये सामान पता नहीं कहाँ रख दिया। शीला बस तुम्हारा सामान ही ढूंढती रहूं, इतनी बड़ी हो गई है पता नहीं कब अकल आएगी। बस समय बीत जाता है, आराम कहाँ, दिन के खाने की समय हो गया, सास ससुर को समय पर खाना देना है। बनाओ क्या कुछ चीजें, बच्चे नहीं खाते तो कुछ सास ससुर नहीं खाते। ऐसे ही घर परिवार में माँ पिसती रहती है, कभी चूल्हा चौकी, कभी किसी के ताने सुनती रहती है, कभी गुस्से में जवाब दिया तो बुरी बन जाती है। बस माँ को पत्नी को या बहू को दर्द कहाँ होता है, वह तो फौलाद की बनी होती है ना। फिर कहते हैं हम सब साथ है, पूरा परिवार एक साथ है। मैं पूछती हूँ यदि पूरा परिवार साथ है तो सिर्फ एक माँ, एक पत्नी व एक बहू क्यों अकेला महसूस करती है। शीला दीक्षित के मन में उठ रहे ये सवाल अक्सर उससे कहते हैं, काश शीला शादी की जगह तू अपने पैरों पर खड़ी होती तो शायद कुछ सम्मान तो मिलता। अचानक शीला के दर्द उठता है पर वह चुपचाप कमरे में जाकर थोड़ा लेट जाती है। सोचती है क्या फायदा बता के जब किसी को चिंता ही नहीं मेरी। थोड़ी देर बाद वह फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। भूल जाती है दर्द हुआ था माथे में, कोई सिकर नहीं, बस थकावट सी जान पड़ती है। खाना बनते ही सभी को खाना देकर सारा काम खत्म कर लेटने को होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पूरे दिन में थोड़ा आराम ही मिल पाता है। शीला दिन की चाय की तैयारी करते करते शाम की तरकारी भी काट लेती है। बस समय गुजरता है, यह रोज का काम, शाम को पति का ऑफिस से घर आना, फिर वही किटपिट, न जाने कब तक यह सुनना पड़ेगा। पति अंदर आते ही क्या करती रहती हो, दिन भर बस सोई रहती होगी। जल्दी करो कुछ ठंडा व खाने के लिए है या नहीं, इतना खर्चा निकालती हो, ये रोज का है। बस रात के खाने की तैयारी छोड़ पति देव जी के लिए ठंडा बनाती है, फिर अभी खाने के लिए क्या बनाऊं। किचन में शीला दर्द भूल बस लग जाती है काम पर। महीने के अंत में जब खर्चे के लिए पैसे निकलवाने हो तो बस एक सप्ताह तक दिमाग की दही बन जाता है। यूं ही कटता जा रहा है सफर जिंदगी का, बच्चों के लिए जीती नहीं तो क्या करती। एक दिन आया मानो तूफान, हद ही हो गई, आज थोड़ा घात तानों का ज्यादा हो गया। शीला स्तब्ध थी, पूरा जीवन निछावर किया इन रिश्तों के लिए, पर सुनने को एक शब्द प्यार के लिए तरस गई। अचानक भाग के कमरे में जाती है, न जाने क्या हुआ, इस बार वह अपना वह दर्द छिपा नहीं सकी। होश आया तो सामने नर्स को पाया, सभी खड़े थे पर शांत थे मानो जैसे कुछ सूंघ गया हो। मैंने उठना चाहा तभी पति देव बोले, माफ करना शीला, मैं ऑफिस का गुस्सा तुम पर निकालता रहा, तुम्हारा दर्द न समझ पाया, कभी तुम्हें घुमाने तक नहीं ले गया। तभी बच्चे दोनों बोल पड़े, माँ आज से तुम आराम करना, हम मिलकर काम कर लेंगे, चिंता मत करना, खाना तुमसे अच्छा तो नहीं पर बहुत अच्छा बना लेंगे। उनकी बातें सुन सच में आज पहली बार लग रहा था कि मैं अकेली कहां बल्कि हम साथ हैं। बस बच्चों को गले लगा लिया, मुझे नहीं बताया गया कि हुआ क्या था, पर मैं समझ गई थी यह हार्ट अटैक ही था जिसे मैं दो बार पहले महसूस कर चुकी थी। खुश थी कि कम से कम इस बीमारी ने मुझे साथ होने का एहसास तो कराया,
मेरे होने न होने का फर्क अब परिवार समझ गया था, इसलिए सभी ताने बंद, बस शांत था अब मेरा मन। एक थकी सी है जिंदगी, पता नहीं कहां जाऊं, खुद को पहचानूं समय नहीं, आवाज उठाऊं तो बुरी बन जाऊं, कदम रखूं बाहर इजाजत नहीं, हिम्मत करूं भी तो बीती उम्र कहां से लाऊं, बढ़ते बच्चे देख जी रही, खुद का बचपन कहां से लाऊं।